रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी फिनलैंड नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा है और उसका यह कदम पुतिन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है, क्योंकि अगर फिनलैंड नेटो का सदस्य बन गया तो 30 देशों वाले सैन्य संगठन की सेना रूस के बेहद करीब पहुंच जाएगी। यही वजह है कि फिनलैंड पर दबाव बनाने और उसे नेटो में शामिल होने से रोकने के लिए रूस ने परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाली 7 इस्कंदर मिसाइलों को फिनलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूस के विबर्क शहर की एक सड़क से रूसी सेना के कई भारी भरकम ट्रक गुजरते दिखे। इनमें 7 ट्रक ऐसे थे जिन पर इस्कंदर मिसाइलें थी जो तेजी से फिनलैंड बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी। मतलब ये कि रूस ने यह ठान लिया है कि अगर फिनलैंड ने नेटो में जाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर भी हमला करने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के पीछे की सबसे बड़ी वजह नेटो ही था और फिनलैंड भी उसी की तरह इस संगठन में शामिल होने के लिए अड़ा है। जिसके बाद पुतिन ने फिनलैंड बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइलें तैनात कर दी, जिनकी खासियत यह है कि ये परमाणु और गैर परमाणु हथियार दोनों को ले जाने में सक्षम है। यही नहीं, इस्कंदर मिसाइल में 700 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है और ये 400 से 500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस्कंदर मिसाइल की एक और खासियत यह भी है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और अपना रास्ता बदलकर अपने टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है।